बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेक्चर नंबर 9, पार्ट ए, लेसन नंबर 4, पेज नंबर 39। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ओपन साइंस बुक पेज नंबर 39, राइट क्लास वर्क एंड डेट एट द टॉप ऑफ दिस पेज। प्लांट एंड फंगल पैरासाइट्स। स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट रीडिंग। Plant parasites are less common than animal parasites. Plant parasites animal parasites ki tarah zyada common nahi hain. One widespread plant parasite is dodder, which feeds on a number of wild and crop plants and also sometimes even on acacia trees. Dodder ek प्लांट पैरासाइट है जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। ये वाइल्ड और क्रॉप प्लांट से अपनी खुराक लेता है और बाज़ औकात अकेशिया ट्री से भी खुराक हासिल करता है। दिस क्लाइंबिंग प्लांट विच ऑफन लुक्स लाइक अ टेंगल ऑफ कॉपर वायर। ये देखने में टेंगल ऑफ कॉपर वायर की तरह नज़र आता है, जिस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कॉपर वायर्स उलझी हुई नज़र आ रही हैं, बिल्कुल इसी तरह डॉडर प्लांट भी देखने में ऐसा ही नज़र आता है। लैक्स क्लोरोफिल इन इट्स स्टेम्स एंड टाइनी लीव्स। इसके स्टेम और लीव्स में क्लोरोफिल की कमी होती है। इंस्टेड इट हैज़ सकर्स विच ग्रो इनटू द होस्ट प्लांट्स टिश्यूज and remove food from them. Chlorophyll के बजाय इसमें इस plant में suckers होते हैं जो host plants के tissue में grow करते हैं और वहाँ से खुराक को suck करते हैं. Aplasia, which has the largest flowers in the world, is also a parasite. It grows in the forest of Southeast Asia and its huge flowers can measure 90 centimeters across. Rafflesia has no chlorophyll of its own. Instead, it grows on the roots of climbing green plants and takes all its food from them. Student, Rafflesia duniya ka sabse bada phool hai. Rafflesia bhi ek parasite hai, जो कि साउथ ईस्ट एशिया के फॉरेस्ट में ग्रो करता है और इसके फ्लावर्स 90 सेंटीमीटर अक्रॉस होते हैं। स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर। रिफ्रिजिया अ प्लांट पैरासाइट हैज़ द लार्जेस्ट फ्लावर्स इन द वर्ल्ड। रिफ्रिजिया एक प्लांट पैरासाइट है, यानी कि अपनी खुराक खुद नहीं बनाते और ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है।